सो फाइनली अपना जो सेकंड चैनल है दैट इज मोटो स्टोर इंडिया इज लाइव, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, गो एंड फॉलो। एंड साथ में अपना जो ये न्यू लुक है, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव। मोटो व्लॉग्स, वीडियोस एंड लाइफस्टाइल के ऊपर वीडियोस लाता रहता हूँ रिलेटेड टू मी। एंड या पिछले तीन दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आती बिकॉज फर्स्ट डे आई गॉट वैक्सीनेटेड जिस दिन आपने मेरा व्लॉग देखा था, दूसरे दिन थोड़ा सा हेडेक था तो फिर मैंने अपने आप को ज्यादा पुश ना करते हुए आई अपलोडेड अ रील। सेकंड डे कल क्या हुआ मेरे साथ, कल ये हुआ दैट माई स्पेक्स ब्रोक ऑफ, मेरे चश्मा टूट गया एंड आई वॉज लिटिल फ्रस्ट्रेटेड एंड अनएबल टू सी। तो इस चक्कर में नया चश्मा बनवाया जाके सब हो गया, फाइनली दिस इज माई न्यू चश्मा। एंड आप सबके लिए मैंने यूट्यूब पर मेरी स्टोरीज जो है वो भी अनेबल हो चुकी है, उसकी के साथ साथ मैंने एक स्टोरी डाली थी जहां पर मैंने अपने हेयर कट के बारे में एक वीडियो डाली, अभी तो ऑयल लगा हुआ है। इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द बायो। पता नहीं यार पिछले तीन दिन कैसे गुजर गए बिना ऐसे वीडियो बनाए, बिकॉज एवरी डे आई मिस टू मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल। जो चैनल बनाकर अभी जो तसल्ली मिली है दैट इज सो गुड भाई साहब, मजा आ गया। मतलब चेंजेस आर कमिंग वेरी सून, हर रोज हमसे 100 लोग जुड़ते हैं। सो अगर आप आज की वीडियो में नए हैं मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन ऑन। ठीक, बाकी पूछोगे व्हाट इज मोटो स्टोर इंडिया, गाइस मोटो स्टोर इंडिया इज माय कंप्लीटली ऑनलाइन स्टोर फॉर ऑल योर पर्पस। मतलब उसके ऊपर ए टू जेड सारी एक्सेसरीज मिलती है। आई विल बी लिस्टिंग ऑल द प्रोडक्ट्स विद रिव्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑफ मोटो स्टोर इंडिया एंड इंस्टाग्राम हैंडल। आपको पता है यू नो द ड्रिल की कहां जाके आपको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको सब बता दूंगा। पर व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, ये जितने भी आज के ऑर्डर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 से 7 चीजें ये आज शिप हो जाएंगी। रोज के ऐसे ऑर्डर्स होते हैं गाइस, सो बिफोर द स्टॉक इज आउट मेक श्योर दैट यू yours and I'll not be promoting Moto Store India over here। मतलब इसको मैं ज्यादा आपको पता है ना बोर नहीं करूंगा आपको बता बता के, इसलिए मैंने इसका सेकंड चैनल लिया डेडिकेटेडली, उस पर वीडियोज आएंगी। चैनल वुड बी सेपरेट, दैट चैनल वुड बी सेपरेट फॉर एक्सेसरीज। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड सब्सक्राइब, लिंक इज इन द बायो। वीडियोज जल्दी आएंगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज बैकग्राउंड के अंदर काफी काम होता है यूट्यूब चैनल चलाने के लिए एंड उसको सेटअप करने के लिए, उसको समझ रहे हो ना, उसको रैंक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दो, आज स्टार्ट किया है, प्रोबेबली इस वीक के अंदर हो जाएगा। एंड आईव गॉट सम न्यू थिंग्स फॉर माई बाइक, वो इस वीक के इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे ऑन द पावरफुल नोट ऑफ बी यू क्रिएट न्यू। चलो शुरू करते हैं आज की ये दिनचर्या। इसके चलते मेरे साथ एक बहुत ही ज्यादा फनी एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे बाल ऑलरेडी यहाँ तक या ऑलरेडी मेरे लिप्स तक आ रहे थे, इतने ज्यादा बड़े थे बाल। बस अपने नाई के पास गया कटवाने, भाई वो बंदे ने आधे बाल यहाँ से लेके पीछे तक काटे एंड वो बैठ गया मैं थक गया भाई, वो बाल काटते काटते अपने, मैंने ये स्टोरी भी डाली थी बाल है या घोंसला, मतलब ही वॉज लिटरली टायर्ड, बहुत बड़े बाल थे एंड अब ये बहुत छोटे हो गए। टुडे वी आर शिपिंग दीज थिंग्स, दीज एक्सेसरीज विच इज द ब्रेक ऑयल कवर, द वाइब्रेशन रॉड्स, हेडलाइट ग्रिल एंड साइड मडगार्ड तान, द चेन कवर, एनी थिंग्स गाइज एंड न्यू थिंग्स आर ऑलरेडी कमिंग। वो देख रहे हो पीछे जो अपना एक रूम है उसके अंदर ना कुछ स्लैब पर रखा हुआ है, दीज एंड दे आर वेरी गुड थिंग्स जो आपको पता चलेगी मोस्ट प्रोबेबली मोटो स्टोर इंडिया की फर्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर परसों वी विल गो टू चांदनी चौक टू हैव सम फन। हैव सम फन मतलब यहाँ की लाइटिंग का एंड काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो गुड्स वगैरह वो सारे मुझे लेकर आने, जस्ट बिकॉज कि अपने वीडियो के अंदर ना लाइटिंग थोड़ी सी कम रहती है, सो व्हाट आई कि अपने रूम के लिए आरजीबी लाइट्स वगैरह लेकर आई जाए। एंड ये वाला जो पिलर है ना यहाँ पर, दिस थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्टॉल अ वार्म ट्यूब लाइट ओवर हेयर ताकि ये चीज यहाँ पर लाइट डाले एंड यहाँ से मेरे फेस पर बात करते करते रिफ्लेक्शन आए, मतलब आई डोंट नो एनीथिंग पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि क्या हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल। बाकी आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग टू लॉन्च टू ऑफ माई मेन प्रोडक्ट्स इन द लाइन, तो उसकी भी तैयारी चल रही है बैक एंड पर, क्योंकि गाइज अभी ना मैंने एकदम से स्टार्ट लिया है, एक चीज लॉन्च हो जाएगी देन उसके बाद दूसरी लॉन्च करूंगा, तीसरी लॉन्च करूंगा, चौथी लॉन्च करूंगा। एंड हाउ इज द मौसम आउटसाइड गाइज, द मौसम इज फ्रीकिंग गुड, इट्स नॉट हॉट नॉट टू कोल्ड बिकॉज अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बारिश हुई थी। एंड हाउ आर यू लाइकिंग माई हेयर स्टाइल, एंड इस बार मैंने बियर्ड भी प्रॉपर करवाई है समझे तो। एंड ऑल्सो रिमाइंडर फॉर एवरी वन हु हैज नॉट ऑर्डर्ड देयर बैश प्लेट्स, दैट इज ऑक्स टस बैश प्लेट कॉस्टिंग है वो कम से कम रखी है एंड डिस्काउंट इज स्टिल ऑन, यू कैन स्टिल बाय एंड ग्रैब योर डील राइट नाउ, लिंक इन बायो। सो फाइनली द ऑर्डर्स आर पैक्ड एंड रेडी टू बी, क्या करने वाले अब नीचे जाते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट दोपहर हो गई, 12 बज गए, अब डांट पड़ेगी नीचे जाके। वील इंस्टॉल द 12-volt चार्जर, अब उसके अंदर सक्सेसफुल होंगे या नहीं लेट्स सी आफ्टर आवर ब्रेकफास्ट इज डन। ओके सो वी आर आउट एंड भाई साहब कितने दिनों बाद, ऑलमोस्ट
तीन से चार दिन बाद, मतलब बीच में बाइक लेकर मैं कहीं गया था, पर या वो मैं आपको नहीं बता सकता बिकॉज दैट वुड बी आई वुड बी रिवीलिंग सून ऑन माय मोटो स्टोर इंडियाज यूट्यूब चैनल, जो मैंने आपको सुबह बताया था. एंड अभी जो मैं लंच कर आया हूँ, द लंच वॉज एब्सोल्यूटली ग्रेट एंड ब्यूटिफुल. लंच के अंदर हमने खाई है चाप, दैट इज़ चाप, मसाला चाप यू कैन से, मसाला चाप उसे खा सकते हैं. ओ क्या गर्मी हो रखी है भाई. एंड मुझे लग रहा है मेरे आगे वाले टायर के अंदर हवा कम है, लेकिन मैंने अभी भरवाई थी, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है. ओ भाई क्या हो गया, फौजी पैंट्स यहीं लुढ़क जाएगा. ये देखो, इसे कहते हैं गलत तरीके से ओवरटेक करना. ये मत खा करो, मैं अच्छी रोड पर एकदम खाली जगह पर देख कर करता हूँ. ये देखो अभी ढंग से किया ना मैंने. हाँ तो भाई आज की जो वीडियो है ये शुरू करने का मेरा पर्पस मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है भाई. तू हेड टर्नर है, 2021 मॉडल को हरा देगी तू, मुझे जहाँ तक लग रहा है. क्वालिटी के मामले में हो सकता है अच्छी हो जाए, इंजन के मामले में हो सकता है स्मूथ हो जाए, पर बॉडी लाइन और जो तेरा लुक है, ना 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 ना. जब मीटी और जैसी बाइक तुझे नहीं हरा पाई तो क्या ही 2021 वाला मॉडल. खाना खाने के बाद मैंने क्या किया था, खाना खाने के बाद आई वेंट डाउन एंड आई took a snap and took a look into this bike. मतलब इस बाइक के अंदर झलक दी मैंने एंड देखा, मैं कहा डैम आज का जो काम था वो तो इसके अंदर हो ही नहीं पाएगा बिना स्कॉच लॉक्स एंड ऑल के, क्योंकि इसके अंदर जो वायर्स हैं वो परमानेंट जॉइंट है, इसके अंदर थिम्बल्स वगैरह बीच में कहीं नहीं है एंड मैं बीच में कोई तार जोड़ना नहीं चाहता हूँ इसके. एंड आप सोचोगे कि इसके अंदर मुझे क्या लगाना है, चलो बताता हूँ गाइज. ये जो फीचर है ये हिमालयन के अंदर एंड काफ़ी सारी एडवेंचर बाइक्स के अंदर दिया रहता है. हाँ, क्योंकि उनकी ज़रूरत है. The adventure bikes are meant for touring. ये वाली bike नहीं है, this is a complete road bike you can say. This is not meant for that touring purpose. पर हाँ, लोग इसको हर जगह लेकर जाते हैं एंड आई एम बिल्डिंग दिस बाइक फॉर दैट purpose. बस इसी के चलते आई wanted टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर थिंग. हाँ ये चीज़ मैं इंस्टॉल करना चाहता था. ये देखो 12 वोल्ट लिखा है ना इस पर, ये 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड प्रॉपर ये चीज़ इसके अंदर लाइट सिगरेट लाइटर की तरह अंदर लग जाती है इसके. अब ये चीज़ मैं इंस्टॉल करना चाहता था इसके अंदर, पर इसके अंदर मुझे कहीं जगह ही नहीं मिली जहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल कर सकूँ. इसके ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसी चीज़ है ये जो एक राउंड सरफेस के अंदर ऐसे बैठ जाती है एंड यू कैन यूज़ इट एनीवेयर. मान लो इसको यहाँ छेद करके लगा दो, यहाँ छेद करके लगा दो, पर मैं इसको लगाऊँ तो लगाऊँ कहाँ. दिक्कत भी तो ये है भाई, दैट्स व्हाई आई एम सो कन्फ्यूज्ड दैट व्हाट टू डू क्या करूँ. इतना टेकी हूँ मैं, क्या करूँ, मतलब मुझे हर चीज़ चाहिए बाइक के अंदर. तो कोई बात नहीं यार, जल तो बच्चा है जी गाइस एंड ये सारी चीज़ें डिमांड करता रहेगा, पर क्या करें. इसके अंदर की जो मॉडिफिकेशन है ये तो कभी ख़त्म होने नहीं वाली है. जो बड़ी बाइक्स होती है उनके लिए ना ये सारी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल हो जाती है, इसके लिए नहीं है क्योंकि या वी आर मेकिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. पर ये चीज़ हैंडल बार वाली भी आती है, पर मैं हैंडल बार वाली लगाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसके अंदर वायर एक्सपोज रहती है, कुछ रहता है. यही वो दिक्कत है, यही वो चीज़ है जिसके चक्कर में मैं इसको लगाना नहीं चाहता. धूप है लेकिन गर्मी मुझे लग नहीं रही है, पता नहीं क्यों, शायद मैं अभी नहा कर आया हूँ इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं. एंड आर प्लेस हैज बिकेम द वन ऑफ द बिगेस्ट कार मार्केट इन न्यू दिल्ली. मतलब यहाँ पर सारे प्री ओन्ड लग्जरी कार्स के शोरूम है, आगे जाकर थोड़े से सारे सुपर बाइक्स के शोरूम है, यहाँ पर प्री ओन्ड सुपर बाइक्स का शोरूम है. मतलब यू कैन से Everything is available here. This is a complete hub now. And हम घूम घाम के यहीं आ गए अपने रॉयल इनफील्ड के शोरूम पर. यार मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है. पता नहीं why I'm finding some difficulty in handling this bike. पता नहीं क्या दिक्कत है, हैंडल लूज है या है, यार कुछ ना कुछ तो पंगा है. गाइस आप एक चीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपसे इसी वीडियो में पूछ रहा हूँ. ये देखो लाइक आई एम गोइंग ऑन 60 किलोमीटर पर आर. क्या आप हल्का सा हैंडल को मारते हो तो क्या ये वॉबल करता है जैसे मेरा कर रहा है, मतलब क्या आपका करता है, मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताना. इतना रिस्क मत लेना, मतलब नॉर्मल 40, 50, 60 पर हल्का सा ना टच कर रहे देखना हैंडल को, क्या ये वॉबल करता है या फिर मेरा ही वॉबल कर रहा है. वॉबल मतलब ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, देखो एक बार. अभी नहीं हिलेगा, हाई स्पीड में ज़्यादा हिलता है. And yes, I am back home. But in the night, I finished all my work. All the orders has been shipped. The new order has been finalized. And second thing, हम एक second step लेंगे, एक second move लेंगे, and एक second
अप्रोच लगाएंगे उसको इंस्टॉल करने की, या तो कोई मैं प्लेट काट के उसको लगाऊंगा जो हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट है उसको, या फिर देखते जैसे मर्जी लगा देंगे। एंड ये हेयर स्टाइल भाई रात तक बिगड़ ही जाता है, सुबह कितने ज़्यादा सेट थे यू नो ऑल। सो बाय बाय, टेक केयर, बी यू क्रिएटिव। दिस ब्लॉग वॉज वेरी शॉर्ट एंड दिस वॉज लिटिल मच इनफ ही। अभी मैं थोड़ी सी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आई वॉज राइटिंग डाउन द कंटेंट फॉर दिस वीक टूडे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियोज़ क्यों नहीं बनाई थी, पिछले 3 दिन से वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही थी, देर वॉज अ रीज़न। तो लेट्स एंड दिस ब्लॉग ओवर हेयर। बाय बाय, टेक केयर, बी यू, क्रिएट न्यू, एंड इफ यू आर न्यू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। चलो ध्यान रखो अपना, कल मिलते हैं।